तो अभी हम देख रहे हैं शेप के हवाले से जो मजीद इसके अंदर कमांड्स हैं, जैसे कि अगर टेक्स्ट डायरेक्शन की बात की जाए, तो जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा नीचे वाला शेप तो किसी और डायरेक्शन का होता है, जैसे मैंने एक शेप लिया हुआ है और यहाँ से जाके चेंज शेप पे क्लिक करेंगे और उसके हम शेप की जो ऑरियंटेशन है वो उसको चेंज कर देते हैं या इसका शेप ही चेंज कर देते हैं। लेट सपोज हम ये वाला शेप ले लेते हैं और उसके बाद इसको घुमा के हम इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्शन में क्या होता है कि भाई मिसाल के तौर पर टेक्स्ट में किसी और डायरेक्शन में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसी शेप का एक डुप्लीकेट लिया, डुप्लीकेट लेके दोबारा से मैं शेप फॉर्मेट में गया, यहाँ से क्लिक करके चेंज शेप किया और यहाँ से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जाम्पल जो भी टेक्स्ट लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पर रेंड करके यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया, ये टेक्स्ट इसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया और उसके बाद इसका मैंने फॉन्ट साइज जो है बढ़ा के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसमें से कुछ टेक्स्ट मैंने निकाल दिया, जैसे कि ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो मैंने इसमें से निकाल दिया, उसको यहाँ क्लिक करके मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, तो ये इस वजह से कैसे नजर आ रहा है इस तरह से, और इसको सीधा कैसे करेंगे और वापस टेढ़ा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हो सकता है कि मैंने अगर इसको रोटेट किया है, तो ये देखें एक तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना, ये तो रोटेशन के साथ इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। दूसरा अगर ये है कि अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप शेप फॉर्मेट में जाते हैं, तो यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शंस दी हुई मुख्तलिफ, इन डायरेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की डायरेक्शन आ गई, या फिर आप इस तरह की डायरेक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह की डायरेक्शन इस पर लगा सकते हैं। तो बॉक्स का जो आपका जो बॉक्स है ना, उसका जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, वो नहीं घूमेगा बल्कि उसके अंदर का टेक्स्ट घूमेगा। और दूसरे मेथड में क्या हो रहा था कि अब फिर पूरा बॉक्स ही हमें रोटेट करना पड़ता है इस तरीके से, यानी कि जो शेप है हमारा, ठीक। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट की, जैसे आप चाहें इसको दिखाना यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट मिड में होता है, मतलब अगर आप इस शेप को मैं खाली कर देता हूँ और इसमें टाइप करना शुरू करता हूँ टेक्स्ट, तो देखें ये लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से दोनों तरफ से सेंटर में है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको टॉप पे कर दूंगा तो यहाँ से टॉप पर आ जाएगा, इसको यहाँ से बॉटम पे करूंगा तो बॉटम पे आ जाएगा, यहाँ से मिड पे करूंगा तो मिड में आ जाएगा। तो टॉप बॉटम मिड यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, और इसकी लेफ्ट राइट पोजीशन के लिए लेफ्ट राइट और यहाँ से इसको हम सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स की जो पोजीशन होती है टॉप मिडल, और इसको यहाँ से इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है क्रिएट लिंक का। ये फीचर हम कब यूज़ करेंगे, जब हम मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने डेटा को डालेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। अब मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस से मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप बना रखा है, और उसके बराबर में एक और शेप है, और उसके बराबर में एक और शेप है, और हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। समझ में आ रही बात कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा। मतलब कैसे, अभी देखिए मैं इस पर राइट बटन दबाऊंगा, एड टेक्स्ट करूंगा, तो अभी जिसे मैंने इस पर टेक्स्ट लिखा, सपोज मैंने 20 पैराग्राफ्स लिए, तो 20 पैराग्राफ्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इंटर करने पर देखा तो वो नीचे चले गए। अब नीचे तो चला गया लेकिन वो मुझे दिख तो रहा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो शेप का साइज़ कम है। हाँ, जैसे जैसे मैं शेप का साइज़ बढ़ाऊंगा आप देखेंगे नीचे टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल मैं ये चाह रहा था कि ये 20 पैराग्राफ्स या जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली जब ये साइज़ कंप्लीट हो जाए तो वो यहाँ पे चला जाए, और उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो वो यहाँ पे चला जाए। तो ये चीज़ किस तरह से पॉसिबल है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद हमें कहना है क्रिएट लिंक, और फिर यहाँ पे जाके क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया, वो कह रहा है कि ये जो शेप है ना, ये शेप है, ये टेक्स्ट बॉक्स का काम नहीं कर रहा है। तो मकसद ये सिर्फ इतना सा इसका कि आप इस पर राइट बटन दबाएंगे, ऐड टेक्स कर दें, और इस पर भी राइट बटन दबाएं और इसको क्या कर दें, ऐड टेक्स कर दें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट लिंक करें, और यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करें, इसका क्रिएट लिंक करें, और इसका लिंक हम इसके साथ क्रिएट कर देंगे, और इस तरह इस सिलसिले को जितने टेक्स बॉक्सेज में या शेप्स के अंदर करना चाहें हम इजिली कर सकते हैं। अब ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो अब जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ 20 पैराग्राफ का, तो आप देखें यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, और जब कंट्रोल ए दबा रहा हूँ तो देखें सारे सेलेक्ट हो गए, डिलीट कर रहा हूँ तो सारा अंदर का टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम बाय टाइपिंग से करना चाहें तो हम इसमें ऐसे ही कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हुआ आ रहा हूँ और ये मेरा टेक्स्ट इसके अंदर चलता जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से एंड करके एंटर करके जैसे ही एंड करूँगा तो अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, फिर जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो ये देखिए तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्सेस को, शेप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ टेक्स्ट को इस तरह डिज़ाइन में रख के, कुछ लेआउट में रख के आप उसके अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं, और ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। सिमिलरली जैसे आपने इसको कनेक्ट किया तो इसको डिसकनेक्ट भी करना पड़ेगा, तो डिसकनेक्ट करने के लिए इसमें कोई कमांड है, इसमें शायद
या डायरेक्टली बस आप डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। लिंक की कमांड है तो लिंक तो ऑलरेडी है ही है, तो ये तो ऑलरेडी लिंक है इसके साथ। तो आगे भी अगर आपको अपने काम को फर्दर कंटिन्यू करना है तो फिर क्रिएट लिंक करें और उस वाले शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वहाँ भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट शेप्स के अंदर वो डेटा को आगे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिएट लिंक के हवाले से। अब चलते हैं यहाँ पे एडिट पॉइंट्स क्या है। पहले तो ये चेंज शेप, चेंज शेप तो आपको अभी मैंने करके बताया कि भाई आपने एक शेप ले लिया था, बाद में फील हुआ कि इसी साइज का, इसी पोजीशन पे, इसी जगह पे मुझे एक दूसरा शेप चाहिए, तो बजाय इसके कि इसको डिलीट करें, फिर एक शेप बनाएं, फिर इसकी रिपोजिशन करें, रीसाइजिंग करें, लिव इट, आप इसको जस्ट जाएं यहाँ पे चेंज शेप पे क्लिक करें और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो शेप्स हैं उनमें से कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए आपका शेप ऑटोमेटिकली उसी साइज उसी विड्थ में सेट हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी अरेंजमेंट की जो मेहनत है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद है एडिट पॉइंट्स। अब एडिट पॉइंट्स देखें कहाँ पे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कल एक प्रॉब्लम आपको ये भी आ रहा था कि ब्लैंक पेज एड कराना है। देखिए नॉर्मली जब आप ब्लैंक पेज एड कराएंगे तो ब्लैंक पेज आपका जहाँ लास्ट पोजिशन कर्सर की होगी वहाँ क्लिक करेंगे तो वहीं से एक एड होगा। लेकिन मसला ये है कि अभी आपने यूज़ ही नहीं किया ये हिस्सा, तो आप इंटर दबाएंगे तो ये शेप भी नीचे जाएंगे। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि इनकी रैप टेक्स्ट जो पोजीशन है वो सेट नहीं है। अगर आप इसको सपोज टू बी इन सारे शेप्स को कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया आपने इसको यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको भी कर दिया आपने, तो ये बाय डिफॉल्ट सारे इन फ्रंट ही है। तो फिर जब मैं यहाँ पे कर्सर रख के एंटर कर रहा हूँ तो फिर ये नीचे जाएंगे। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, या तो एक तरीका ये है कि हम पहले सारे एंटर्स दबा के इसको नीचे ले जाएं ताकि जितना हिस्सा अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है वो यूज़ कर लें और फिर इनको ऊपर लेकर आएं दोबारा से और फिर सेट करें। दूसरा तरीका ये यहीं पे क्लिक करके आप एक ब्लैंक पेज ऐड करा दें, यहाँ पे क्लिक करके एक ब्लैंक पेज ऐड करा दें। वो ब्लैंक पेज चूंकि आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड करा रहे हैं तो वो इससे पहले ऐड होगा। हाँ, अगर आप यहाँ एंड पे क्लिक करते वहाँ ऐड कराते तो फिर वो इसके बाद ऐड होगा। ठीक है, अब फिर क्या करें भाई, फिर ये वही जो काम जो करना था वही कर लें। यहाँ पे शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट कर लें, ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे। फिर इनको जाके यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके इनको ग्रुप कर दें। ग्रुप कर लें जब आप इनको, तो फिर इनको भले यहाँ पे रहने दें। अब आप इसको इंटर करें, ठीक है, अब वो कहाँ चले गए, वो अगले फेज पे शिफ्ट हो गए। अब आप इसको उठा के यहाँ पे ले आए, तो ये यहाँ सेट हो गया। और भी है थोड़ी जगह, ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी काम है। इस तरह की गलतियों को बचने से के लिए पहले ही आप जब आप काम करना शुरू करें तो पहले यहाँ पे आप पेजेस पे इंटर दबा के एक दूसरे पेजेस पे चले जाएं, ताकि आप डिजाइनिंग के बाद भी अपने कर्सर को एंड पे रख के फिर एक ब्लैंक पेज भी आप ऐड करा सकें। ये काम शुरू से भी किया जा सकता है। बहरहाल जब ऐसा हो जाए तो उसको फिर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, एडिट पॉइंट्स हम कैसे काम करते हैं। एडिट पॉइंट्स में क्या हो रहा है, जैसे एक तरह से जो शेप अभी हम बना रहे थे उसकी जो हमारी उसकी जो हमारी अभी जो जो उसको हम मॉडिफाई कर सकते थे उसी टेक्निक से हम मॉडिफाई कर पा रहे थे। जैसे कि अगर इस शेप की हम बात करें तो ये शेप इतना ही मॉडिफाई हो सकता है कि इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये जो येलो पॉइंट्स होते हैं इन येलो पॉइंट्स से हम इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर वो इसके अंदर फीचर मौजूद है। तो इतना मॉडिफाई हम कर सकते हैं इन येलो पॉइंट्स की मदद से जितना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि आपको शेप को ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ जाए तो उसके अंदर भी एक फीचर है इसके अंदर जो उन्होंने दिया है। वो फीचर क्या है, जैसे हमने ये शेप बनाया है, अब इस शेप पे क्या कर सकते हैं हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ और हाइट ही सेट कर सकते हैं या इसको रोटेट कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और चले जाएंगे, क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट्स पे। तो ये इसके चारों पॉइंट्स अलग अलग हो गए। अब इन पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जैसे ही पॉइंट पे क्लिक करेंगे दो आपको इसके एंकर्स नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं एंकर्स। इस एंकर को पकड़ के आप ऐसे कर सकते हैं तो ये इसके अंदर एक कर्व पैदा कर देगा, और इस एंकर को पकड़ के आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दोबारा फिर आपको जाके वहाँ पे एडिट पॉइंट्स करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आपने इसको इस तरह से दोबारा से जैसे उधर उठाया था इसको इधर उधर उठा दें। तो ये देखें ये किस तरह का शेप आपने, एक वो शेप जो इसके अंदर मौजूद नहीं था वो आपने खुद इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज करके बना लिया। तो ये देखें ये हमारा शेप बन गया, इसको इस तरह से हमने उठा के रख लिया, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और भी जिस तरह का चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप इसमें जाके एडिट पॉइंट्स करके
दोबारा से एडिट पॉइंट्स कर लें, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक शेप है, इसको आप पूरा पॉइंट पकड़ के आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये शेप कुछ फिर इस तरह का शेप बन जाएगा। और फिर अगर आप इस पॉइंट को चाहें या इस पॉइंट को चाहें आपसे पकड़ के और ऐसे मूव भी कर सकते हैं, तो ये देखें फिर एक इस तरह का शेप ये बन जाएगा। ये वो शेप है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये काम सारा आप पॉइंट्स की मदद से ही कर सकते हैं। और अगर आप इनमें कर्व देना चाहें तो फिर इन एंकर्स को पकड़ के आगे या पीछे की तरफ ऐसे घुमाएंगे, तो ये एक और किस्म का जो है इसमें इफेक्ट डालेगा। और फिर यहाँ से पकड़ के हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये देखें ये एक शेप इस तरह का भी हम इस पर निकाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एडिट पॉइंट्स यानी कि आपको मजीद इनके जो कॉर्नर्स हैं या इनके जो एंकर्स हैं उनको पकड़ के मूव करने की फैसिलिटी आपको और देता है, जिसकी वजह से आप इस शेप को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि कोई शेप आपको इसमें नहीं मिल रहा, तो आप अपना दिमाग चला के किसी दूसरे शेप से उस शेप को बना सकते हैं एडिट पॉइंट्स की मदद से। बाकी रहा शेप का, तो यहाँ से भी आप जो है कोई भी शेप लेके दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपने शेप वहाँ से लिया है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें देखें तीन येलो पॉइंट्स हैं, तो इसमें ये आगे वाले हिस्से को आप इस तरह से नोजल की तरह कर सकते हैं, फिर इसको और बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ये वाइट वाले पॉइंट को इसकी नेक को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर जो ये वाला पॉइंट है इससे इसके बैक साइड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वो फीचर हैं जो आप इसके अंदर दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। फर्दर मजीद आपने इसको पॉइंट में जाना है तो एडिट पॉइंट्स करके अब यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ पे चेंज कर दें, ये इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे पकड़ के हम इसको इस तरह से एक बना सकते हैं, या इस तरह से, या इस तरह से, कुछ इस तरह के मामला को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीजिए, तो ये एक फिर इस तरह का शेप हम अलग से भी इसमें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया शेप के साथ एडिट पॉइंट्स का भी ऑप्शन भी हो गया हमारा। और यहाँ पर ये हमारे ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी आप देख लें यहाँ पे, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से आप एक डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक शेप की तरह ही होता है, पर ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको डायरेक्टली नजर आएंगे इस तरीके से, वो आप इसको उठा के फिर डायरेक्टली रख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कलर जो है इस टाइम वाइट है, उसके कलर को भी आप यहाँ से नो फिल करके यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आउटलाइन ख़त्म करनी है तो नो आउटलाइन करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर इसको उठा के आप जहाँ चाहें इसको इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी कमांड शेप से रिलेटेड, जो भी हम शेप के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे वो हमने सारे इसके कवर अप कर लिए। अब यहाँ पे रह गया विड्थ और हाइट का, तो यूजुअली विड्थ और हाइट किसी भी शेप की आप जैसे नॉर्मली जैसे हमने बताया आपको कि इस तरह से कर सकते हैं। एक आपने शेप बनाया जैसे ये वाला, अब ये शेप बना, इसको परफेक्ट शेप सर्कल निकालने का तरीका ये है कि एक तरीका तो ये कि बनाते वक्त आप शिफ्ट का बटन होल्ड करें तो ये ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे। अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर ये हो सकता है इसकी विड्थ को ज़्यादा कर दे, इसकी हाइट को ज़्यादा कर दे, ये एक एलिप्स बना दे, ठीक है ना, ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा शेप बन गया है कि जिसका ये बन गया शेप, अब हम कहेंगे ये परफेक्ट सर्कल है, तो दिखने में तो ये परफेक्ट सर्कल है, लेकिन हम इस कैसे जज करें? जज करने के लिए हमारे पास पैरामीटर है शेप में जाके साइज, तो देखिए इसकी जो हाइट है वो 1.39 है और इसकी जो विड्थ है वो 1.24 है, तो ये एक परफेक्ट शेप सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्किल में दोनों विड्थ और हाइट सेम होंगी जब ही वो परफेक्ट सर्किल बनेगा। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, देखिए हम नोट करें, मैं इसकी विड्थ को हाइट को बढ़ा रहा हूँ तो हाइट ही बढ़ रही है, और जब मैं इसकी हाइट को कम कर रहा हूँ तो हाइट ही कम हो रही है, और जब मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ तो विड्थ कम हो रही है। अब ये एक परफेक्ट सर्किल है, ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, आप विड्थ को बढ़ाएंगे हाइट भी बढ़ेगी और हाइट को बढ़ाएंगे विड्थ भी बढ़ेगी। ऐसा कब होता है? जब आप इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे लॉक एस्पेक्ट रेशो पे चेक होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट लॉक एस्पेक्ट रेशो के ऊपर चेक होता है। अगर आप अब आप इस सूरत को देखेंगे तो देखिए मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो देखिए विड्थ भी बढ़ रही है, और जब मैं विड्थ को कम कर रहा हूँ तो हाइट भी कम हो रही है, सही है। यानी कि अब जितने शेप्स बनेंगे वो एस्पेक्ट रेशो के लॉक्ड पे बनेंगे, मतलब मैंने एक ये शेप बनाया, ये शेप ऐसा बन गया, अब मैं चाह रहा था कि इसकी विड्थ कम करूँ, तो अब नोट करें मैं जैसे इसकी विड्थ को कम करूंगा तो विड्थ ही कम हो रही है, ठीक है, और अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो विड्थ ही बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाके इसका एस्पेक्ट रेशो लॉक कर दूं तो फिर क्या होगा, अब जब मैं विड्थ को कम करूंगा तो हाइट भी कम हो रही है, और जब हाइट को कम करूंगा तो विड्थ भी कम होगी। यहां से जाएंगे या लॉक एस्पेक्ट रेशो इस पर क्लिक करेंगे हाइट के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर यही सेटिंग आपके कंप्यूटर में फॉलो हो रही है तो ये एस्पेक्ट रेशो आपको कब हेल्प करेगा, आपको जब हेल्प करेगा जैसे आपने एक शेप बना लिया, जैसे कि ये आपने एक शेप बनाया, ये परफेक्ट शेप था, लेकिन जब आपने इसको बनाया तो बनाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये छोटा है, अब ये बड़ा होना चाहिए, तो
तो अब बड़ा होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि मुझे आइडिया है यार इतना होना चाहिए, जैसे कि ये 0.43 0.42 है तो मैं इसको 42 ही कर देता हूँ, तो ये 0.4 हो गया, अब इसको भी 0.4 ही कर देता हूँ, ये एक शेप है। कितना बड़ा होना चाहिए? आपको किसी ने कहा कि यार ये 2x2 का होना चाहिए, तो इस मीन्स के वो कह रहा है 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा होना चाहिए, तो सिंपली आप इधर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2, और ये एक परफेक्ट 2x2 का निकल आएगा। ये डबल कोट्स जो है ना ये इंच को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एस्पेक्ट रेशियो पर रख देंगे और ओके करेंगे, तो अब आपको मर्जी है इसको जितना छोटा करें बड़ा करेंगे, ऑटो एडजस्ट होता रहेगा, इससे आपकी इसकी विड्थ और हाइट अलग अलग नहीं होगी, विड्थ और हाइट दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। चलें,